नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागपत की खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। इस दौरान बता दें कि जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ इस यात्रा को बता दें कि शुभारंभ किया गया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बलराम खाबरे और साथ ही पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुरैद, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, साथ ही प्रांतीय अध्यक्ष निजामुद्दीन सिद्दीकी सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। वहीं इस यात्रा को काठा बागपत गौरीपुर होते हुए गुफा मंदिर पहुंची, जहां पर इस यात्रा में हजारों कार्यकर्ता मौजूद दिखे हैं। आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से बागपत पहुंची है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, और इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद है। इस यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। तमाम अध्यक्ष वहां पर दिखे हैं, और साथ ही बता दें कि इस यात्रा में काफ़ी बड़े चेहरे भी देखने को मिले हैं। साथ ही बता दें कि ये यात्रा कांठा बागपत गौरीपुर होते हुए गुफा मंदिर पर पहुंची, और इस यात्रा में हजारों के कार्यकर्ता मौजूद दिखे हैं। अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी गोरखपुर पहुंचे हैं और गोरखनाथ मंदिर का निरीक्षण किया है। बता दें कि खिचड़ी मेले में तैयारी का भी निरीक्षण कर उन्होंने किया है। साथ ही निरीक्षण के बाद बता दें कि मंडलायुक्त कार्यालय जाएंगे और यहां पर खिचड़ी मेले की तैयारी पर बैठक की गई है। साथ ही बता दें कि प्रशासन के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जिले में हवाई पट्टी के अवशेष कार्यों की प्रगति के लिए जिला अधिकारी ने समीक्षा बैठक की है। संबंधित बता दें कि कार्य संस्था के अधिकारियों को नवनिर्मित हवाई पट्टी में हो रही अवशेष कार्यों की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट देने के लिए डीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिया है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानक के अनुरूप अधूरे कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही बता दें कि इस दौरान जनरल ऑफ सिविल एक्सपेशन के जनपद भ्रमण से पहले भी एयरपोर्ट संचालन का कार्य किया गया है। वहीं एसपी ने डीएम के निर्देश देते हुए कहा है कि फायर स्टाफ और सुरक्षा के दृष्टिगत से लगने वाले स्टाफ को परीक्षण कराने के लिए लखनऊ भेजकर जल्द ही परीक्षण पूरा किया जाए। और श्रावस्ती में जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान तमाम तरीके के अधिकारी वहां मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अधूरों कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और साथ ही कोई भी काम अधूरा ना रहा जाए। बता दें कि यहां पर जिलाधिकारी जो है वे समीक्षा बैठक करती हुई नजर आई, जहाँ पर तमाम तरीके के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। और साथ ही बता दें कि इस दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियंस के जनपद भ्रमण से पहले ही एयरपोर्ट संचालन का कार्य किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। साथ ही एसपी ने डीएम ने निर्देश देते हुए कहा है एसपी को कि बता दें कि फायर स्टाफ और सुरक्षा की दृष्टि से लगने वाले स्टाफ को परीक्षण कराने के लिए लखनऊ भेजकर जल्द परीक्षण पूरा किया जाए। बता दें कि ये श्रावस्ती की ये खबर है, जहां पर लगातार जिलाधिकारी जो है समीक्षा बैठक करती हुई नजर आई और तमाम तरीके के दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूर्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सूर्य, जिस तरीके से जिला अधिकारी बैठक करती हुई नजर आई है और तमाम तरीके की दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं, क्या क्या निर्देश उनके तरफ से दी गई है इस बैठक में? जी, आपको बताना चाह रहे हैं, जनपद श्रावस्ती में एयरपोर्ट संचालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिलाधिकारी ने बैठक की है। इस बैठक में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम को निर्देश दिया है कि अब जो कार्य चल रहा है वो अधूरे कार्य है, उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जिससे एयरपोर्ट का संचालन हो सके। उन्होंने जिला अग्निशमन अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट पर पर्याप्त फायर स्टाफ की तैनाती की जाए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक से भी डीएम ने कहा है कि जो सुरक्षा दृष्टि के गलत पुलिसकर्मी वहां तैनात किए जाएंगे, इनका प्रशिक्षण भी कराने के लिए उनको लखनऊ भेज कर उनका प्रशिक्षण तैयार करके एयरपोर्ट संचालन की सारी सुविधाएं जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी सूर्य, जिस तरीके से ये बैठक की गई है, इस दौरान कई कार्य जो है वे अधूरे पाए गए थे, तो अधिकारियों को इस दौरान कौन कौन से अधिकारी वहां मौजूद थे और कौन कौन से काम थे जो अधूरे पाए गए थे?
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह थे, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्व कुमार यादव, उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी, शासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एस के हरित के साथ ही बैठक का संचालन सहायक निदेशक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्वतंत्र यादव भी मौजूद थे। तो जिलाधिकारी ने यह कहा कि जो बजट सरकार ने एयरपोर्ट संचालन के लिए दिया है उस बजट में जो भी कमियां हो उस बजट के माध्यम से पूरा गया, जो भी बजट और कम होगा उसके लिए शासन से मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द बजट पूरा किया जाए और जिससे एयरपोर्ट संचालन का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके। जी, ये एयरपोर्ट संचालन का काम कब से चल रहा है सूर्य, और क्या कहा इस दौरान जब जिलाधिकारी ने ये बात कही तो अधिकारियों ने क्या कहा, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? नहीं, आपको बताना चाहते हैं, जनपद सरावस्ती में पिछले 2 साल से एयरपोर्ट संचालन का कार्य चल रहा है, जिससे एयरपोर्ट सरावस्ती में बनाया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से चलेगा, जिससे देश विदेश के सैलानियों का भी आएगा, क्योंकि सरावस्ती बौद्ध भिक्षु का एक पर्यटक स्थल भी है जो चीन और बाहर देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए एयरपोर्ट का संचालन वहाँ पे किया गया है, जो 2 साल से लगातार काम चल रहा है, लगभग कुछ फीसदी तक काम केवल बाकी रह चुका है, जो जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वो भी काम पूरा करके जल्द एयरपोर्ट संचालन का कार्य जल्दी ही पूरा किया जा सके। चलिए, शुक्रिया आपका सूर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सूर्य प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और जिला अधिकारी ने समीक्षा बैठक की है श्रावस्ती में और तमाम तरीके के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, साथ ही जो एयरपोर्ट का काम अधूरा चल रहा है उस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश देते नजर आए हैं जिलाधिकारी। सीतापुर में जिला पंचायत सभागार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को श्रद्धांजलि दी गई है। सीतापुर जिले के जिला पंचायत सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता समेत राम जीवन जायसवाल हांजी और साथ ही रिजवान सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माँ का निधन हुआ था। जिस पावन और महान उद्देश्य से इस धरती धरा पे उनका अवतरण हुआ था, उस उद्देश्य को पूर्ण करके एक महान आज उनका निधन उद्देश्य को पूर्ण करके एक महामानव को देश को सौंप के उनका स्वर्लोकगमन हुआ। ऐसी पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने शरण में स्थान दे, ऐसी हम सबकी कामना है। और आज जिला पंचायत सभागार में सभी जिला परिषद आकर के आगरा के शेल्टर होम का अचानक निरीक्षण किया गया है। बता दें कि दरअसल महापौर और नवीन जैन और साथ ही उत्तर विधायक के विधायक पुष्पम बता दें कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने क्षेत्रीय पार्षदों ने निरीक्षण किया है और साथ ही इस दौरान सभी जगहों की व्यवस्थाओं चाक चौबंद देखने को मिली है। साथ ही यहां पर बता दें कि गद्दापारा शेल्टर होम खाली मिला है, वहीं दिल्ली गेट शेल्टर होम पर भी 2 निरक्षित और लोहा मंडी शेल्टर होम पर 28 निरक्षित व्यक्तियों को रखा गया है। इसमें अलावा शेल्टर होम में बेड गद्दे कंबल पेयजल शौचालय आदि की व्यवस्था संपूर्ण देखने को मिली है। आगरा नगर निगम के महापौर श्री नवीन जी और हमारे क्षेत्रीय पार्षद श्री संजय रॉय जी, नेहा गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष हमारे अमित पटेल जी, भरत शर्मा जी, नंदन सूत्रीय जी आदि सभी लोगों ने मिलकर यहां आज विभिन्न शेल्टर होम रिंग रोड विजयनगर कॉलोनी तो घरापाड़ा स्थित है वो इधर लोहा मंडी और राजमंडी स्टेशन के पास के सेल्टर होम का निरीक्षण किया और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आज मैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और मंडल के अध्यक्ष पटेल साहब और भरत शर्मा और पार्षद नेहा गुप्ता संजय राय के साथ हमने जो सर्दी बढ़ रही है उस सर्दी को देखते हुए हमने फुटपाथों का निरीक्षण किया और रैन बसेरों पर भी हम गए। नगर निगम के द्वारा संचालित जितने भी रैन बसेरे आगरा शहर के अंदर चल रहे हैं उन सबका निरीक्षण में आज हमने लोहा मंडी में किया।
अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सिलिंग की जमीन को लेकर लंबे समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा था और विवाद के बाद से तहसील प्रशासन के मना करने के बाद भी जमीन पर कब्जा करने पहुंचे दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं लाठी डंडे से हुए हमले में महिलाओं सहित कई लोग घायल हुए हैं। वहीं थाना माधोटांडा क्षेत्र के सिमरा, बता दें कि महाराजपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र सोनवा में लक्ष्मण नगर मुख्य बाजार की घटना सामने आई है। बता दें कि बीती रात दो घरों में ताबड़तोड़ चोरियां हुई हैं, जिसके बाद से दोनों घरों के जेवर, नकदी, कपड़ों सहित लाखों के रुपए चोरी किए गए हैं। वहीं चोरी की घटना से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप सा मच गया है। घटना कोहरा और साथ ही शीतलहर का फायदा उठाकर चोरों ने घरों को निशाना बनाया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल जुट गई है। अमेठी के इन्होना थाना क्षेत्र के चिलौली के नेशनल हाईवे के पास अज्ञात वाहन से साइकिल सवार पीआरडी के जवान को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके चलते पीआरडी जवान की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि क्षत विक्षत अवस्था में सड़क पर जवान का शव पड़ा हुआ मिला है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जवान के पार्थिव शव को कब्जे में लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना पनियरा पुलिस को सूचना मिली कि थाना अंतर्गत बेनीगंज गांव में श्री अमेरिका यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, अपने घर में मृत दशा में मिले, जो अपने भाई के घर में रहते थे। मौके पर पुलिस आई और शव को देखा, जांच की गई। शव पर जाहिरा कोई चोट का निशान नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पश्चात सभी पहलुओं पर विचार करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेनीगंज के ओड़बेलिया टोला निवासी 55 वर्षीय अमेरिका के उसके छोटे भाई के घर में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक कुछ साल पहले ही साधु बन गया था और परिवार में अलग रह रहा था। उसकी दो बेटियां भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने छोटे भाई के पास रहता था। भाई ने उन्हें 1.5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा ली थी, जिसको लेकर मंगलवार को पंचायत होनी थी। वहीं परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी ने भी इस मामले को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। महुआ के समूह द्वारा संचालित हो रहे कोटे को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के करते हुए जिला अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। बताया गया है कि समूह की एक सदस्य द्वारा संचालित राशन कोटे को का कोई ब्यौरा सदस्यों को नहीं दिया गया है और न ही प्राप्त होने वाले लाभांश में हम सदस्यों को कोई लाभ देने का काम हो रहा है। सदस्यों और उनके पति ने कोटे पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते उक्त कोटे को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर डीएम के पास सभी पहुंचे। और दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला तहसील कुलपहाड़ के विकासखंड जेतपुर के आने वाले कैथौरा गांव का है, जहां पर संचालित बृहस्पति देव SHG समूह के अध्यक्ष सहित महिला सदस्य द्वारा जिला अधिकारी को शिकायत पत्र दिया गया। वहीं डीएम ने शिकायत करते पहुंची समूह को सभी महिलाएं बताती है कि इस दौरान उनकी भागीदारी इस कोटे की शुरुआत हुई है, लेकिन होने वाले लाभांश में सब उन्हें लाभ नहीं दिया जा रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है। ऐसे में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उक्त मामले की जांच कराकर समूह को कोटा निरस्त कराए जाने की मांग सभी ने की है। कोटा के बारे में है, जो भी लाभांश आ रहा है ना, तो कुछ मिल रहा है ना, कुछ दे रहे हैं ना, जो हमने विवरा मांगना ना, तो विवरा दे रहे हैं, लिखना ना लिखवा रहे, कुछ ना कुछ दे रहे हैं जी। कोटे वाले देवेंद्र राजपूत है, शिकांति, शिकांति कह रहे कि हमें पता है, हमारे कागज नहीं आया अभी। हम तो अध्यक्ष है जी, सचिव है ये कोषाध्यक्ष।
कितने लोग हैं आप लोग? हम 10 लोग हैं। सब सबको इसी तरह कहते हैं। अब दो उनके पक्ष में है, अब 3 लोग। इकतीस दिसंबर के बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम ककराखोर की ओर से सुनसान जगह से पुलिस ने लगभग आपको बता दें कि 24 वर्षीय युवती का शव बरामद किया है। बता दें कि अज्ञात शव होने के कारण पुलिस ने शव को 72 घंटे के लिए मोचड़ी की शिनाख्त में रखवा दिया है। वहीं महिला पुलिसकर्मी द्वारा जांच पड़ताल में मृतका के जेब से रेलवे के पास मिले हैं, जिस पर आपको बता दें कि मुगल सराय का पता लिखा हुआ था। इस पास का जांच पड़ताल किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने एक टीम मुगलसराय के लिए रवाना हुई है और मृतका के घर चंदौली पहुंची है, जहां पर राम रतन सिंह ने मृतका की पहचान अपनी बेटी सरिता मौर्य के रूप में की है। उन्होंने बताया है कि 2018 से उनकी बेटी की दोस्ती गोरखपुर जनपद के बेलीपार थाना क्षेत्र के रहने वाले मारुति नंदन उर्फ पवन मौर्य से हुई है। पुलिस ने इसकी जानकारी के आधार बनाकर अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाते हुए आखिरकार हत्यारे में प्रेमी मारुति नंदन मौर्य को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। और साथ ही बता दें कि इस मामले के बाद से लगातार पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और साथ ही बता दें कि इस मामले पर उसको पास भी दिया गया है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान तरह तरह के शव, जिस तरीके से शव बरामद हुए उसके बाद से तरह तरह की जाँच पड़ताल की जा रही है। और साथ ही बता दें कि ये मामला 31 दिसंबर के बेलीपार थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर ककराखोर की ओर से सुनसान जगह से पुलिस ने लगभग 24 वर्षीय युवती का शव बरामद किया है। इसके शव बरामद होने के बाद से लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 72 घंटे के मोर्ची बता दें कि शिनाख्त के बाद से ये रखवा दिया गया था, और शिनाख्त के बाद से महिला पुलिसकर्मी द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। मृतका के जेब से बता दें आपको कि रेलवे के पास भी बरामद किए गए हैं। मुगल सराय का पता बताया जा रहा है। इस पास के जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने एक टीम मुगल सराय के लिए रवाना हुई है और मृतका के घर चंदौली पहुंची है, जहां पर राम रतन सिंह ने मृतका की पहचान अपनी बेटी सरिता मौर्य के रूप में की है। उन्होंने बताया है कि 2018 से उनकी बेटी की दोस्ती गोरखपुर जनपद बेलीपार थाना क्षेत्र के रहने वाले मारुति नंदन उर्फ पवन मौर्य से हुई है। में 31 दिसंबर 2022 को ग्रामीण क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इस संबंध में तत्काल मौके का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा करने के पश्चात पंचायतनामा की कार्रवाई होने के उपरांत, क्योंकि शव की पहचान नहीं हो पाई थी, तो शव को मॉर्चरी में अगले 72 घंटे के लिए रखवाया गया। जो बॉडी थी उसकी सर्च से एक रेलवे का पास बरामद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा था और पता मुगल सराय जनपद चंदौली का था। इस लीड पर जब इसके बारे में जानकारी करने के लिए चंदौली में पुलिसकर्मी भेजे गए, तो इस पास धारक की पूरी जानकारी हुई। जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया, तो उनके द्वारा उस युवती को अपनी पुत्री के रूप में पहचाना गया, जिनका की नाम सरिता मौर्य, उम्र करीब 24 साल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 2018 में इनकी पुत्री की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से एक मारुति नंदन मौर्य नाम के व्यक्ति, जो कि बेलीपार थाना का रहने वाला है जनपद गोरखपुर का, उससे हो गई थी। लड़की अक्सर उसी के साथ रहती थी। उनकी पहचान के आधार पर और उनके द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र के आधार पर जनपद गोरखपुर के थाना बेलीपार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।